आज का हमारा ट्यूटोरियल है एनिमे टेक्सचर टाइटल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हम बैकग्राउंड के लिए प्लस टेक्स्ट के लिए अमेजिंग टेक्सचर्स यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हम कुछ रेडीमेड टेक्सचर यूज करेंगे और कुछ खुद टेक्सचर यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। एंड दिस इज द ट्रेंडी टाइटल एनिमेशन। चाहे आप ये अपने सोशल मीडिया वीडियोस के लिए यूज करो, या यूट्यूब चैनल इंट्रो के लिए यूज करो, या मूवी सिनेमैटिक टाइटल इंट्रो के लिए भी आप इसको अमेजिंग तरीके से गाइस यूज कर सकते हो। वेब सीरीज के लिए तो ये अमेजिंग स्टाइल है। सो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मेरा कंपोजिशन मेन यहाँ पे रेडी है, बट अभी मैं मेरा टेक्सचर सबसे पहले रेडी करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ टेक्सचर कॉम्प। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया, या फिर टेक्सचर टॉप मैं इसको दे देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे टॉप में इसको यूज करने वाला हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे एक और काम करना है, कंपोजिशन में जा रहा हूँ, कंपोजिशन सेटिंग्स में जा रहा हूँ और इसका ड्यूरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1 सेकेंड का। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और मेरा फ्रेम रेट है 25, ये ध्यान में रखना। ओके करता हूँ मैं गाइस यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मेरे टेक्सचर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पैनल में देख रहे हैं, आपको वन बाय वन में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसको। तो मैं सारे टेक्सचर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ एक के ऊपर एक। तो ये जस्ट आई एम गोइंग टू सेटल इट लाइक दिस वन, और ये पांचवा टेक्सचर भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्सचर को इक्वली मेरे को यहाँ पे सेट करना है मेरी टाइमलाइन के अंदर। तो हमारा 25 फ्रेम रेट का है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉपरली सेट करता हूँ तो पांच पांच फ्रेम के लिए अगर इसको सेट करेंगे तो 25 फ्रेम में प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 सेकेंड मतलब 4 फ्रेम यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम कर देता हूँ इनको। तो ये ऑलमोस्ट 5 फ्रेम तक आप देख रहे हो कि हो चुके हैं। अब क्या करना है भाई, तो अब हमें ये करना है कि इसको इक्वली यहाँ पे सेट करना है। तो मैन्युअली करने से बेटर ऑप्शन है, ये पांचों लेयर को सिलेक्टेड रखो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको जाना है की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर और क्लिक करना है सिक्वेंस लेयर्स के ऊपर और यहाँ पे आपको क्या कर देना, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप कर दोगे देखो इक्वली ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो चुके हैं। तो हमारे यहां तक का काम पहले रेडी हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके साइज मुझे एडजस्ट करने हैं, तो वो मैं स्पीड में गाइस यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूं। ओके गाइस, तो हमने हमारे जो सबसे टॉप के ऊपर जो हम टेक्सचर यूज करने वाले हैं उसका एनिमेशन यहाँ पे जनरेट कर लिया है। तो अब अगर इसको आपको प्ले करके मैं दिखाऊं एक बार, तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से क्या होगा, हमें एनिमेट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इन दोनों को मैंने रिवील नहीं किया, एक बार रिवील कर लेते हैं। तो अब देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से हमारा क्या हो रहा है, टेक्सचर एनिमेट हो रहा है गाइस। तो अब क्या करेंगे, वापस चलते हैं हमारे मेन कंपोजिशन के अंदर और यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ जिसको हम बीजी के तरीके, मेन बीजी के तरीके यहाँ पे यूज करने वाले। तो इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, मैं ये शेड यूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना बैकग्राउंड शेड यूज कर सकते हो गाइस। अब मुझे क्या करना है कि मेरा एक मेन टेक्सचर है जो इसको इफेक्ट करेगा, उसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो ये मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले इसका रोटेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ 90 डिग्री। तो ये मेरा रोटेशन यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा स्केल मेरे को क्या करना है, इसका बड़ा करना है, तो मैंने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इसका स्केल यूज कर लिया है। तीसरा चीज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ऑपेसिटी थोड़ा डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ ओवरले के अंदर। तो कुछ इस हिसाब से मेरे को आउटपुट मिल रहा है। आप अपने हिसाब से इसका सेट कर सकते हो गाइस, कितना आपको ऑपेसिटी चाहिए वगैरह, फुल भी रखना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे जा सकते हो। अब इसको भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एनिमेट करना है। तो मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी, रोटेशन प्रॉपर्टी एंड पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ और तीनों को 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर की अप्लाई कर देता हूँ। 10 फ्रेम हम आगे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करने वाला, रोटेशन अप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट 110। तो ये मैंने यहाँ पे रोटेशन अप्लाई किया है। उसके बाद मैं स्केल थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो मैंने इंक्रीज किया है स्केल को, पोजीशन में थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ इस हिसाब से और थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ कुछ यहाँ पे। तो ये मैंने पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट किया। अब पेज डाउन आगे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं रोटेशन अप्लाई करने वाला हूँ 75। तो ये कुछ हिसाब से रोटेशन हुआ है। अब इसका पोजीशन हम चेंज करते हैं कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे और आई थिंक लेट मी डू द स्केल लिटल बिट डाउन ओवर हियर और पोजीशन हल्का सा चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो दैट इज बेटर एंड टेक इट लिटल बिट मोर डाउन समथिंग लाइक दिस और थोड़ा और नीचे की तरफ लेके आते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग ए मोर वेरिएशन टू अवर बैकग्राउंड एनिमेटेड टेक्सचर यहाँ पे। यहाँ से 10 फ्रेम और आगे चलता हूँ, रोटेशन वैल्यू में यहाँ पे कर देता हूँ 0। तो कुछ हिसाब से यहाँ पे रेडी हो चुका है। स्केल थोड़ा मैं डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे इस हिसाब से
और आई थिंक आई चूज द पोजिशन समथिंग ओवर हियर, तो मैंने पोजिशन को कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब इन सारी एनिमेटेड कीज को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक की पे आके राइट क्लिक करके आपको चूज करना है टॉगल होल्ड की फ्रेम। तो यहाँ पे एक स्टॉप मोशन जैसा इफेक्ट जनरेट होगा, बीच में कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि किसी भी एक पोजिशन को सिलेक्ट करना है, उसकी स्टॉप वॉच पे जाके ऑल्ट करके लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, एक एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन टाइप करना है लूप आउट एक्सप्रेशन। और ये टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करके सारा एक्सप्रेशन कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करके उसको कॉपी कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, लूप आउट एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल बनाया है जो आपके मोशन ग्राफिक्स में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर अमेजिंग एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल्स हैं, जो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो आर्टिस्ट भी हो, सबके लिए समझना भी बहुत आसान है, यूज करना भी बहुत आसान है। तो इस ट्यूटोरियल के बाद उसको जाके जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, हरेक प्रॉपर्टी के ऊपर ये सेम हमें अप्लाई करना है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट करके स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी करके एक्सप्रेशन को प्रेस कर देंगे, बाहर क्लिक कर दो, वापस ऑल्ट करके रोटेशन के स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन लूप आउट का अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा भाई, ये कंटिन्यूअसली 3 सेकंड तक चलता रहेगा, एनिमेटेड रहेगा। तो यहां तक का हमारा काम रेडी हो चुका है गाइस। सो गाइस, अब एड करते हैं हमारा जो हमने ऑलरेडी टेक्सचर का एक कॉम्प बनाया था, उसको भी यहाँ पे लेके आते हैं हमारे इस कंपोजिशन के अंदर। तो टेक्सचर कॉम्प को भी यहाँ पे लाके रख देते हैं और इसका भी मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूंगा ओवरले के अंदर। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन चाहिए क्योंकि ये हमने ड्यूरेशन चूज किया था 1 सेकंड का इस कंपोजिशन का, बट इसको रिपीटिवली हमें यूज करना है 3 सेकंड तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप चाहो तो इसके भी डुप्लीकेट कॉपीज करके यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, बट आई विल शो यू द बेटर वे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन आपको करना है राइट क्लिक इसके ऊपर, आपको जाना है यहाँ पे टाइम के अंदर, आपको चूज करना है अनेबल टाइम रीमैपिंग। तो जैसे ही आप चूज कर ले तो आपको चला जाना है ओ प्रेस करके यहाँ पे इस लेयर के एंड के ऊपर और इस की फ्रेम को यहाँ पे एक फ्रेम बैक आके क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऑल्ट करके यहाँ पे वापस से स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करना है टाइम रीमैप की प्रॉपर्टी के ऊपर और यहाँ पे आपको अगेन हमारा जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे लूप आउट का एक्सप्रेशन आपको अप्लाई कर देना है और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। तो अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक अमेजिंग सा एनिमेशन जनरेट होते हुए दिख रहा है, बट स्टिल आई नीड सम मोर चेंजेस इनसाइड दैट। अभी हमें और चेंज चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पे ब्लेंडिंग मोड में हम लोग यूज करते, लेट्स यूज द यू। तो अब ये मुझे कुछ अमेजिंग सा आउटपुट देगा अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट जनरेट हो रहा है ये। सो ओके, हमने ब्लेंडिंग मोड 2 यूज किया, पहले टेक्सचर के लिए हमने ओवरले ब्लेंडिंग मोड यूज किया, दूसरे टेक्सचर के लिए हमने यूज किया है हमारा यू ब्लेंडिंग मोड। अब ऐड करते हैं हमारे टेक्स्ट को। तो हमारा ऑलमोस्ट 2 टेक्सचर एनिमेशन रेडी हो चुके हैं जो हमने यूज किए, मतलब रेडीमेड टेक्सचर यूज किए है। अब हमारा टेक्स्ट को ऐड करना है, एनिमेट करना है और उसके अंदर हम जो टेक्सचर अप्लाई करेंगे वो इनबिल्ट आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ इफेक्ट्स और प्रीसेट को यूज करते हुए करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, मैं यहां से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं यहां पे मेरा टाइटल एक्शन से पहले तो ऑन कर लेता हूं और मैं यहां पे टाइप करने वाला हूं एनिमेशन। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मेरा एनिमेशन और सबसे पहले इसका जो अलाइनमेंट है मैं चूज करना है। आपको अपना अलाइनमेंट पहले से चूज करके मैं लेफ्ट साइड ही कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल कॉम्प यूज कर रहे हो तो अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करते हो सपोज और सेंटर अलाइन रहेगा, वर्ड्स कम या ज्यादा होंगे तो आपका सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले से ये चूज करके रखो कि ये कहाँ पे रहने वाले हैं, तो अगर आप वर्ड चेंज करना भी चाहो तो वहां पे दिक्कत ना हो। तो मैंने लेफ्ट अलाइन चूज किया हुआ है। अब मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका पोजीशन मुझे सेट करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन सेट कर दिया है और एंकर पॉइंट से मतलब जो कॉम्प का सेंटर पॉइंट है वहां से हल्का सा नीचे मेरे को इसको सेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है इसको। अब इसी का मैं क्या कर रहा हूं, एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूं टाइटल। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसके लिए जो मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूँ वो है एलिफेंट फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ओके एलिफेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो यही फॉन्ट मुझे यूज करना है और मैंने अभी क्या करना है, इसका भी पोजीशन मुझे शिफ्ट करना है। तो इसका भी लेफ्ट अलाइन हमने चूज किया और इसको भी थोड़ा मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। तो भाई हमारे फॉन्ट यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब इसका एनिमेशन मुझे क्या करना है, जनरेट करना है गाइस। सो लेट्स जनरेट द एनिमेशन फॉर बोथ द फॉन्ट्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट लेयर कह दो या फॉन्ट लेयर कह दो, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका पोजीशन प्रॉपर्टी सबसे पहले ओपन करते हैं। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम पे आता हूं, पहले तो यहाँ पे दोनों को की अप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहां से मैं जा रहा हूं ऑलमोस्ट 10 फ्रेम आगे जाएंगे हम लोग, या फिर आई
think, okay, let's choose the 15 frames, or I think it should be the 20 frame. Maybe the okay, let's jump to the 20 frame. और वापस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे key apply कर रहा हूँ. अब चले आएंगे 0 नंबर फ्रेम के ऊपर. इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सॉरी कंट्रोल जेड, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते टाइटल को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा कुछ यहाँ पे, ओके गुड इनफ. और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ कुछ ऑलमोस्ट इस जगह पे. तो ये दोनों मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है. अब यहां से जाएंगे एंड के ऊपर, और यहां से मैं क्या करूंगा, वापस से कीज अप्लाई कर देते हैं हम लोग, पर कौन सी की, ये वाली की. तो यहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. अब वापस क्या करेंगे, 20 फ्रेम हम पीछे की तरफ जाएंगे और ये वाली जो कीज है उसको अप्लाई करेंगे. तो कॉपी एंड पेस्ट ये हो गया, और यहां से भी कॉपी एंड पेस्ट यहां पे अप्लाई कर दिया है. अब इसको सिलेक्ट करते हैं सारी एनिमेटेड कीज को, पोजीशन की F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर. यहां पे ग्राफ को आपको सी आपके एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एनिमेट करोगे. तो मैं यहां पे कुछ हिसाब से इसको एनिमेट कर देता हूं हल्का सा लाइक दिस वन. और यहां पे भी मैं कुछ क्या करने वाला हूं, इस हिसाब से एनिमेट कर देता हूं गाइस. एंड लेट मी डू द सेम थिंग ओवर हियर. तो मैं यहाँ पे इसको भी कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर दिया हूँ. ओके दैट्स लुकिंग गुड. या फिर कुछ उल्टा करते हैं यहाँ पे. सो लेट्स डू दैट वन मोर अंडू. और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, पीछे की तरफ लेके चलते हैं गाइस इसको. मतलब ये स्लो स्टार्ट होगा और एंड मेरे को स्पीड में चाहिए. थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे उठा देता हूँ. ओके गुड इनफ. तो यहाँ पे लेवलिंग मेरा ग्राफ एनिमेशन भी इसका जनरेट हो चुका है. तो एक अच्छा खासा एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो गया. एक बार प्ले करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, यस कमिंग इनटू द सेंटर, स्टे फॉर अ व्हाइल, एंड फिर वापस क्या होगा, ये चले जाएगा बाहर. अब इसके बाद इसके अंदर थोड़े वेरिएशन लाने. तो वेरिएशन क्या चाहिए, हल्का सा ऑफसेट दिखना चाहिए हमें ये चीज. तो पहला काम तो क्या कर रहा हूं, इन सारी चीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और ऑल्ट करके हल्का सा क्या करूंगा, ड्रैग कर लेता हूं अंदर की तरफ. डन है. अब हल्का सा ऑफसेट करना है, तो 1, 2 और 3 फ्रेम में ऑफसेट कर रहा हूं दोनों के एनिमेशन को. तो सॉरी कंट्रोल जेड, जो हमारा एनिमेशन वाला वर्ड है उसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 फ्रेम यहां पे मैंने ऑफसेट कर दिया है इसको. अब चले आएंगे यहां से 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूं, और मैं क्या करूंगा, टाइटल वाले लेयर को यहां से ट्रिम कर देता हूं. अब इस वाले लेयर पे आ जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, 1 और 2 फ्रेम आगे चले जाते हैं और इसको भी हम क्या कर देंगे, यहां से ट्रिम कर देंगे. अब एंड पे चले जाते हैं, सेम चीज यहां पे अप्लाई करना है. 1, 2 फ्रेम आगे आएंगे और इसको क्या कर दूंगा, मैं यहां से ट्रिम कर दूंगा. सेम चीज अब क्या करेंगे, यहां पे आएंगे 1 और 2 फ्रेम आगे चलते हैं और क्या करेंगे, हमारा जो टाइटल वाला लेयर है उसको भी यहां से ट्रिम कर देंगे. तो ऑलमोस्ट एनिमेशन देख लो कैसा होगा, कि स्टार्टिंग में ये दिखेगा नहीं, एंटर हो रहा है, स्टेडी रहेगा. अब जब गायब होने वाला है तब भी क्या हो जाएगा, फ्रेम से ये गायब हो जाएगा कुछ हिसाब से, एंड सडनली कम बैक. तो ये लूप में एक अच्छा खासा एनिमेशन जनरेट हुआ. अब ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो गाइस, सेट कर सकते हो. दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू गाइस. सो गाइस अब टाइम है हमारे टेक्स्ट को टेक्सचर अप्लाई करने का. अमेजिंग वर्ड हो गया नहीं, टेक्स को टेक्सचर, यस दैट्स गुड. सो लेट्स अप्लाई द टेक्सचर. बट उसके लिए अभी सिंपल सी चीज ये है, पहला काम तो ये करना है, ये दोनों टेक्स लेयर को हमें क्या करना है, हमारे टेक्सचर टॉप लेयर के नीचे लाके रखना है. तो ये काम तो हमारा हो गया है. अब करना जो है कि भाई इसको अप्लाई करना. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा आउटसाइड से टेक्सचर लाके इसके ऊपर ऐसे मैट अप्लाई करो, और या फिर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करो एंड यू कैन यूज इट. वी कैन यूज सम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स जो इनबिल्ट है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, उसके थ्रू मतलब आप एनिमेटेड प्रॉपर्टी कुछ अप्लाई करो और अमेजिंग टेक्सचर जनरेट करो. तो भाई वही चीज करते हैं. तो पहले मैं चूज कर रहा हूँ मेरा टाइटल वाला जो टेक्स्ट लेयर, उसको चूज करते हैं. इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे स्टाइलाइज में जाएंगे और मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मोज़ेक. तो मैंने यहाँ पे मोज़ेक अप्लाई कर दिया है. लेट मी अप्लाई द 100 वैल्यू ओवर हियर. यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 100 के वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ. तो आप देख रहे हो कि अमेजिंग सा यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा इफेक्ट जनरेट हो चुका है गाइस. ओके तो अब इसको मिनिमाइज करते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 150 भी कर सकते हो. दैट्स अप टू यू गाइस, आपको बेटर रिजोल्यूशन मिलना चाहिए, बराबर है. तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. देख अच्छा खासा मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे रेडी हो चुका है. अब करना क्या, इसको थोड़ा और अमेजिंगली बिहेव करना है. तो टेक्सचर मोशन में रहना चाहिए, जैसे हमारा बैकग्राउंड टेक्सचर मोशन में है. तो उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे ऑल्ट करके इसकी स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग. लेट्स अप्लाई द ऑल्ट एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं. और यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, लेट्स अप्लाई द विगल. और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ऑलमोस्ट लाइक, लेट्स अप्लाई द 100 एंड लेट्स अप्लाई ऑलमोस्ट लाइक ओके 55 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. और एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा दिखता है. सो इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ भाई ये सही तरीके से जा रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
सो ये भी हमारे लिए समझना थोड़ा जरूरी है कि भाई ये होना चाहिए हमारे लिए सही तरीके से। सो लेट्स चेक इट कि भाई एक बार पूरा प्रॉपर एनिमेशन, नहीं अभी भी मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कुछ ऑलमोस्ट 225 चूज कर लेते हैं एक बार एम्पलीट्यूड, तो अब देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। नाउ यू कैन सी दैट एक अमेजिंग सा मोशन मेरे को यहाँ पे रेडी होता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स गुड फॉर मी। तो ये हो चुका है, अब क्या करना है इसी मोजेक को, तो यही वाला चीज हमें क्या करना है इसके ऊपर भी अप्लाई करना है जो वर्टिकल। आप चाहो तो सिंगल पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो वर्टिकल पे भी करो, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही, खाली वर्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब करना क्या है भाई, सेम इफेक्ट हमें अप्लाई करना है एनिमेशन वाले टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं इसको यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, चलता हूं मैं वापस इफेक्ट के अंदर, मोज़ेक इफेक्ट, इसके ऊपर भी अप्लाई करता हूं। सेम वैल्यू यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं 150, और यहां पे भी मैं अप्लाई कर दूंगा 150। तो ये दोनों तो हमने यहां पे अप्लाई कर दिए। अब यहां पे क्या करेंगे, जो हम अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन वो वर्टिकल ब्लॉक्स के ऊपर करेंगे मोज़ेक इफेक्ट के अंदर। तो ऑल्ट करके इसकी स्टॉपवॉच के ऊपर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, क्लिक करना है, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम विगल एक्सप्रेशन अगेन, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये हो गया। और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 120, और अगेन मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लेट्स अप्लाई द 300। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब अगर इसको प्ले करते हैं तो ये वर्टिकली मेरा एनिमेट हो रहा है। तो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली रियली अमेजिंग एंड आइडियल एनिमेशन ओवर हियर। तो आप चाहो तो इसके अंदर बहुत ही बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब इस एनिमेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गाइज आप चाहो उतनी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने इतना ही ऐड करना था तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब थोड़ा और चीजें मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाएंगे। अब क्या करना है, हल्का से एक स्टॉप मोशन जनरेट करना है टोटल एनिमेशन के ऊपर। तो इफेक्ट में जाएंगे, टाइम में जाएंगे, और अप्लाई करते हैं पोस्टराइज टाइम इसके ऊपर। और यहां पे मैं वैल्यू कर दूंगा ऑलमोस्ट लाइक 12, जो फ्रेम रेट है उसका पोस्टराइज टाइम इफेक्ट के अंदर, उसको मैंने 12 कर दिया है। उसके बाद एक और अमेजिंग सा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ये क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर अमेजिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, लाइक कैमरा शेकी इफेक्ट एक हमें जनरेट करना है। तो यहां पे इसको मैंने क्रिएट कर लिया, लेयर को नाम जरूर देना गाइस, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सिलेक्ट हो गया, अब इसके ऊपर इफेक्ट में जाएंगे, हम जाएंगे डिस्टॉर्ट के अंदर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मैं करना हुआ क्या वाला हूं कि भाई जो हमारा पोजीशन है उसको उसकी स्टॉपवॉच पे जाके ऑल्ट करके हमें क्लिक करना है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द विगल एक्सप्रेशन ओवर हियर। इसके लिए भी गाइस जैसे मैंने बोला, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अमेजिंग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एक्सप्रेशन को डिटेल में समझाने के लिए, अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं, विगल के लिए भी अलग है, लूप आउट के लिए भी अलग है, और डिटेल में बताया गया, तो जाके जरूर देखिएगा गाइस। यहां पे फिर से एक बार टाइप कर देता हूं मेरी जो वैल्यूज मुझे चाहिए, तो लेट मी अप्लाई समथिंग लाइक मैं यहां पे 225 या लेट्स यूज द 230 हम यहां पे यूज करते हैं, और यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं 6 pixels। तो ये मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है, अब इसको क्लोज करते हैं। तो ये भी हमारा यहां पे जनरेट हो गया। तो आपको पीछे की तरफ एक अच्छा खासा क्या होगा, तो मैं थोड़ा इसको हाफ कर देता हूं, एक बार सेव कर लेते हैं इसको। ओके हो जा भाई, ठीक है डन। प्ले करके देखते थे, अच्छा खासा आपको दिख रहा है पीछे एक विगलीनेस जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो जैसे कैमरा शेक हो रहा है वैसा। इसका एक और भी तरीका आगे जाके ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा, जो नेचुरल शेक वाला इफेक्ट आपको देगा, बट अभी के टाइटल एनिमेशन के लिए दिस विगल एक्सप्रेशन इज वर्किंग रियली नाइस, यू कैन सी दैट, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। ओके अब थोड़ा हल्का सा और, क्योंकि हमने एक ग्रंच काइंड ऑफ टेक्सचर ऐड किया है, और रियलिस्टिक फिल्म्स या मूवी देखते हो तो उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा ग्रेन या नॉइज इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो भी मुझे क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो टेक्स वाला लेयर है उसके ऊपर फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ। लेयर को सिलेक्टेड रखेंगे, इफेक्ट में चलते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे नॉइज एंड ग्रेन में, और यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ ऐड ग्रेन। एड ग्रेन को मैं यहाँ पे चूज करने के बाद मैं इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा रहा हूं यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इसके हिसाब से, साइज भी हल्का सा मैं बड़ा कर रहा हूं यहाँ पे, सॉफ्टनेस में ऑलमोस्ट कम कर देता हूं, मुझे ज्यादा सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक इस 2 is good या 1 is good, तो ये मेरे लिए सही है। ओके गुड इनफ। और मैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है एड ग्रेन अंदर जो व्यूइंग मोड है आपको चूज करना है फाइनल व्यू। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है कुछ इस हिसाब से। और मैं अपना रिजोल्यूशन भी अभी क्या कर दूंगा, फुल का रिजोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ गाइस। सो हमारा टाइटल टेक्सचर टेक्सचर टाइटल एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, एंड आई होप आप देख रहे हो बहुत ही अमेजिंग सा आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो
ये कह सकता हूं मैं कि आपको अच्छी खासी चीजें नई नई सीखने को मिली होंगी, नए आइडियाज मिले होंगे अपने मोशन ग्राफिक्स और टाइटल एनिमेशंस के लिए। सो ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं। उसके अलावा आप नए हो या पुराने हो, बेल आइकॉन पे क्लिक करा बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।